फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर नई रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। नमस्ते दोस्तों, हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली तुरई की सब्जी लेकर आई हूँ। इसे हम लोग तूरी बसर कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक सिंधी रेसिपी है और टेस्ट में बहुत अच्छी होती है, बहुत झटपट ये तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो तुरई ली है, जिसे मैंने अच्छे से छील करके और धो लिया है और इस तरह से हमने काट लिया है। हमें इस तरह से तुरई को जैसे चार ऐसे कट लगाने हैं, उसके बाद हमें इसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ मैंने सिंधी तुरई इस्तेमाल की है, देसी तुरई। आपको जो भी तुरई मार्केट से मिलती है, जो भी अवेलेबल हो आप बोल लीजिए, और इसी तरह से धोकर छील करके धोकर के आपको इस तरह के टुकड़ों में इसे काट लेना है। और ये हमारी तुरई रेडी है। यहाँ मैंने तीन प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, जिन्हें काट लिया है। दो टमाटर और एक हरी मिर्च हमने ली है। सबसे पहले कढ़ाई में हम दो चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम होता है, हमारा कटा हुआ प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हल्का सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज भुनना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे हल्का सा इसको और भुनना है, तो करीब एक मिनट हम इसे और भुन लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। इसी तरह का कलर ही हमें अपने प्याज का चाहिए। बस अब हमने जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी है वो हम इसमें डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा बस स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से पानी छोड़ दे और जल्दी से हमारा टमाटर कुक हो जाए। और फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिक तुरई बसर बनता है उसमें प्याज भुनने के बाद तुरई डाली जाती है और तुरई पकने के बाद टमाटर और बाकी मसाले डाले जाते हैं हैं, लेकिन उसमें तुरई थोड़ी ज्यादा गल जाती है। इसलिए अब हम लोग पहले टमाटर और सारे मसाले पका के फिर तुरई डालते हैं, ताकि तुरई थोड़ी खड़ी खड़ी रहे, वो दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब अपने सूखे मसाले हम डाल देते हैं। एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच के अराउंड, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस अभी हमारी जो तुरई है वो तुरई हम इसमें डाल देंगे। और तुरई डाल के इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे सारे मसालों के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने तुरई अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम इसे ढक कर के धीमी आंच पर करीब 8 से 10 मिनट के लिए पकने रखेंगे, ताकि हमारी तुरई सॉफ्ट हो जाए और जो भी सारा पानी तुरई छोड़े वो सूख जाए। ये फ्रेंड्स, करीब 5 मिनट हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारी तुरई ऑलमोस्ट गल चुकी है, लेकिन अभी इसमें पानी काफी सारा है, तो हमें इसे वापस से ढक करके एक बार हम मिक्स कर देंगे, ताकि थोड़ी जले नहीं नीचे से। और इसे हम ढक करके करीब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, ताकि इसका जो पानी है वो पानी अच्छे से सूख जाए और साइड्स में से ऑयल छूटने लगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पानी इसका सूख चुका है, साइड्स में से ऑयल भी आने लगा है, मतलब हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। बस हमारी सब्जी रेडी है। अब आप इसको गर्मा गर्म परोसे, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश करें, और चाहे आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, बट हम इसको सिंपल ही रखते हैं, कि सिंपल ही बहुत स्वाद रखती है। बस मैंने गैस बंद कर दिया है, अब हम इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।